गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे ओके वी विल स्टार्ट, वी स्टार्ट नाउ। टुडे वी विल रिवाइज सेकंड चैप्टर द लिटिल रेड काइट। ओके चैप्टर टू द लिटिल रेड काइट। ओके व्हाट आर दीज, ये सब क्या है? दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइट्स। क्या है ये सब? काइट्स। सी अ मॉन्स्टर काइट, अ स्मॉल काइट, अ ट्राइंगल काइट, कितने तरह की काइट्स है ना। दिखी नहीं रहा। यू कैन ओपन योर बुक, बेटा बुक में ओपन करो, पेज नंबर 15। सी इन योर बुक पेज 15। ओके हैव यू ओपन? सी दीज आर डिफरेंट काइट्स एंड दीज पीपल आर फ्लाइंग काइट्स। ओके द लिटिल रेड काइट, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ रेड काइट, छोटी रेड काइट के बारे में ये स्टोरी है। ओके लेट्स लर्न दिस स्टोरी, लर्न दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर। We can learn something only if we try. Okay, this is the first line and the meaning of this line कि हम कुछ भी चीज़ तभी सीख सकते हैं जब हम उसको try करेंगे. Okay, we will try again and again. जब हम बार बार में try करेंगे तभी हम कुछ सीख सकते हैं. We can learn. Okay, read how the little red kite learned to fly. Little red kite ने कैसे fly करना सीखा? In this story, we will read that a little kite was there and how it learned to fly. इसने कैसे fly करना सीखा? Hari looked up at the sky. Hari ने sky की तरफ देखा. Looked at sky. मतलब sky की तरफ देखा है Hari ने. And it was a lovely day. और ये बहुत अच्छा दिन था. Lovely day means लवली डे मतलब होता है कि जैसे हम बहुत अच्छा दिन होता है, उस दिन हवा भी होती है, द विंड इज ब्लोइंग, स्मॉल ब्रीज इज ब्लोइंग एंड एंड सन इज नॉट हॉट, ज़्यादा हॉट नहीं है सन। ओके तो हरी ने स्काई की तरफ देखा, द डे वॉज लवली, डे बहुत अच्छा था, अच्छा दिन था। द टॉल ट्रीज वर स्वेइंग स्लोली इन द ब्रीज। टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, स्वेइंग मतलब ऐसे हिल रहे थे धीरे धीरे इन द ब्रीज। ब्रीज मीन्स अ कूल विंड, नॉट फास्ट विंड, एकदम धीरे धीरे चलने वाली हवा। ठीक है, तो उस हवा में टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ ऐसे झूला झूल रहे थे, मीन्स धीरे धीरे हिल रहे थे। द क्लाउड्स वर हाई इन द ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई पे ऊपर, बहुत ऊपर क्लाउड्स वर हाई, बहुत ऊपर दिख रहे थे क्लाउड्स, दिख रहे थे स्काई में। कभी कभी आपने देखा है एक नीला स्काई दिखता है, देन सम वाइट वाइट कॉटन जैसे एकदम बॉल्स से दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लाउड्स, ये क्लाउड्स होते हैं। एक स्काई होता है और वो क्लाउड्स होते हैं, तो ऐसे लगता है वो क्लाउड्स उस पर कॉटन की तरह चिपके हुए हैं। इट लुक्ड एज दो समवन हैड टेकन बिट्स ऑफ कॉटन वूल, किसी ने कॉटन के वो ये ले लिए हैं बिट्स ऑफ
कॉटन वूल और रुई के छोटे छोटे बॉल्स एंड स्टक देम अप इन द स्काई, और उनको स्काई पे चिपका दिया है। ऐसे लग रहा था वो जो क्लाउड्स थे ना स्काई में, दीज वर सींग लाइक ओके। इट वॉज अ परफेक्ट बिट्स ऑफ कॉटन सॉरी फॉर फ्लाइंग काइट्स, और ये काइट्स उड़ाने के लिए एक परफेक्ट डे था। इट वॉज अ परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स एंड बट हरीज लिटिल रेड काइट डिडेंट सीम टू थिंक सो। लेकिन हरी की जो लिटिल रेड काइट थी ना, छोटी सी काइट, उसको ऐसा नहीं लग रहा था। डिडेंट सीम लाइक दिस, मतलब उसने ऐसा नहीं सोचा, वो ऐसा नहीं सोच रही थी। व्हेन मिनी थ्रू द काइट अप, इट स्किप्ड अ लिटिल एंड देन ड्रैग्ड ऑन द ग्रास, इट डिडेंट राइज अप एट ऑल। जब मिनी ने काइट को, जब आप काइट उड़ाते हो तो क्या करते हो, व्हेन यू फ्लाई काइट, वन पर्सन होल्ड द स्ट्रिंग, एक तो धागा पकड़ते हैं और दूसरा पर्सन जाके दूर जाके उसको वो ऐसे अप करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं ना, ऐसे छोड़ते हैं ना, थ्रू अप मतलब ऊपर छोड़ते हैं, तब वो काइट ऊपर जाती है। द वो स्ट्रिंग देन वी द पर्सन फर्स्ट पर्सन विल पुल द स्ट्रिंग देन द काइट विल गो अप, है ना, ऐसे उड़ाते हैं ना काइट। तो जब मिनी ने उसको थ्रू किया स्किप करके एंड स्किप्ड अ लिटिल देन ड्रैग्ड ऑन द ग्रास, मिनी थ्रू द काइट अप ड्रैग्ड ऑन द ग्रास, लेकिन वो ग्रास पे गिर गई आके ड्रैग्ड, एंड इट डिडन्ट राइज अप एट ऑल, और वो ऊपर नहीं जा सकी, वो काइट ऊपर नहीं गई। हरीज ब्रदर रवि हैड अ ग्रीन बिग ग्रीन एंड येलो काइट। अब रवि के पास, हरी का जो ब्रदर था रवि, उसके पास कैसी काइट थी, ग्रीन एंड येलो, तो उसके पास ग्रीन एंड येलो काइट थी ना। हिज फ्रेंड थ्रू इट अप एंड एट वंस इट फ्लू इन टू द स्काई, और उसके फ्रेंड ने उसको थ्रू किया, इट अप अप मतलब ऊपर, और वो स्काई में चली गई तुरंत। विच काइट, हरीज ब्रदर रवीज काइट, रवि की काइट, कौन सी काइट थी, रवि की काइट। कम ऑन लिटिल रेड काइट सेड हरी, फ्लाई फ्लाई डू फ्लाई इन टू द स्काई, यू विल हैव फन। तो वो दूसरी काइट जो थी वो लिटिल रेड काइट को बोलती है, कम ऑन लिटिल रेड काइट, आओ आओ जल्दी आओ, तुम भी उड़ो, तुम उड़ सकती हो, यू कैन डू इट, तुम उड़ सकती हो। बट द लिटिल काइट जस्ट ट्रैम्बल अ लिटिल एंड ले डाउन क्वाइटली ऑन द ग्राउंड। ट्रैम्बल्ड अ लिटिल मीन्स थोड़ी सी डरी हुई, इन शूक शूक इन फियर, थोड़ी सी डरी हुई, डर में थी, एंड ले डाउन क्वाइटली ऑन द ग्राउंड, और चुपचाप ग्राउंड पे ले डाउन मतलब पड़ी रही, ग्राउंड पे ही रही। ओ आई कॉन्ट डू इट, आई कॉन्ट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, थॉट द लिटिल काइट, आई एम सो एफ्रेड आई माइट फॉल इन अ शार्प ब्रांच और अ क्रूअल थॉर्न, आई कुड गेट हर्ट। तो उसने सोचा कि मैं शायद मुझे लग जाएगी, मैं क्रूअल थॉर्न, थॉर्न मीन्स कांटे, कांटेदार झाड़ियों पे गिर जाऊंगी और मुझे लग जाएगी। द लिटिल काइट थॉट दिस, ओके, लिटिल काइट ने यह सोचा। गॉट इट, समझ में आया यहाँ तक, अंडरस्टूड रिद्धि, यस मैम, अंडरस्टूड दिस यस मैम, राघव, यस मैम, ओके। कम ऑन लिटिल काइट डोंट बी अफ्रेड सेड हरी, हरी ने कहा कि चलो चलो लिटिल काइट डरो मत, चलो। हरी ने कहा, मिनी सेड मे बी द लिटिल काइट इज अफ्रेड ऑफ दीज बुशेस एंड ट्रीज, लेट्स गो टू द मिडल ऑफ द पार्क। अब हरी ने कहा कि शायद लिटिल काइट इन सब से डर रही है, यहाँ पे जो झाड़ियाँ बुशेस हेयर आर मैनी बुशेज आर देयर एंड ट्रीज आर देयर, सो आई थिंक लिटिल काइट इज लिटिल एफ्रेड, वो डरी हुई है। सो वी गो टू द मिडल ऑफ द पार्क, हम पार्क के मिडल में चलते हैं, पार्क के बीच में चलते हैं। सो द टू चिल्ड्रन टुक द काइट टू मिडल ऑफ द पार्क, तो दोनों बच्चे उसको लेके पार्क में गए, एंड विच वॉज एन ओपन एंड ग्रासी स्पेस, देर वर नो बुशेज एंड ट्रीज अराउंड, और वहाँ पे कोई ट्रीज और बुशेज नहीं थी, दैट वॉज अ ओपन एंड ग्रासी एरिया, ग्रासी स्पेस, वहाँ पे घास वाला और खुला मैदान था, तो दोनों बच्चे उसको लेके वहाँ गए। मिनी रैन फास्ट विद द लिटिल काइट एंड हरी हेल्ड द स्ट्रिंग फॉर्मली, फॉर्मली मीन्स कस के पकड़ना, जैसे हम काइट उड़ाते हैं तो ऐसे अच्छे से आप स्ट्रिंग पकड़ते हो ना धागा, फॉर्मली कस के पकड़ा था उसने, हरी ने,
और मिनी ने उसको मिनी उसको लेके गई। देन मिनी जम्प्ड अप एंड थ्रू द काइट एज हाई एज शी कुड। फिर मिनी ने जंप किया और ही इट गेव अ बिग पुश व्हेन इट फेल्ट अ ब्रीज। द काइट फेल्ट अ लिटिल स्टिर इन इट्स टेल। इट ट्राइड रियली हार्ड। अब काइट ने अच्छे से ट्राई किया उड़ने का और उसने अपने आप को एक ऐसे पुश किया ऊपर थोड़ा सा। इट पुश्ड अप एंड गुड आफ्टरनून देवांगी। गुड आफ्टरनून देवांगी। देन मिनी जंप्ड अप एंड थ्रू द काइट हाई एज शी कुड। द काइट फेल्ट अ लिटिल स्टिर इन इट्स टेल। टेल जो काइट की टेल होती है। रीडर बुक चैप्टर 2 द लिटिल रेड काइट। ओके मैम। पेज नंबर 16-17। तो मिनी ने काइट को अप किया थ्रू किया अप एंड द काइट फेल्ट अ लिटिल स्टिर। मतलब उसने थोड़ा सा अपनी टेल में कुछ ये मूवमेंट किया मूवमेंट फील हुआ और वो ऊपर उठ गई। एंड इट रेड रेड काइट फेल्ट वेरी एक्साइटेड। नाउ द रेड काइट फेल्ट वेरी एक्साइटेड। अब वो बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि वो उड़ने लगी थी। अब वो उड़ने लगी थी सो इट वॉज वेरी एक्साइटेड। ओ आई एम फ्लाइंग आई एम फ्लाइंग। द रेड काइट सेड आई एम फ्लाइंग। सैंग द लिटिल रेड काइट एट इट पुल द स्ट्रिंग। उसने स्ट्रिंग को खींचा और उसने कहा कि मैं उड़ रही हूँ। आई एम फ्लाइंग लिटिल रेड काइट सेड। मिनी एंड हरी वर लिटिल डॉट्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और उनके स्ट्रिंग पे लिटिल डॉट्स थे। नाउ द लिटिल काइट वॉज फ्लाइंग नियर द अदर काइट्स। अब वो दूसरी काइट्स के पास में उड़ने लग गई। नियर द अदर काइट्स मतलब अब लिटिल रेड काइट भी ऊपर चली गई और दूसरी काइट्स के पास में उड़ने लगी। द लिटिल काइट वेव्ड इट्स टेल एज इट सेल्ड अवे। सेल्ड अवे मतलब हवा में झूला झूलना। हवा में झूलना। सेकंड चैप्टर बेटा। मैम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। यस ओनली 3-4 स्टूडेंट्स आर देयर। गीतांजलि आल्सो देयर। गीतांजलि ओके। गीतांजलि द लिटिल रेड काइट नाउ वाज वेरी एक्साइटेड। इट्स वेव्ड। वेव्ड मतलब ऐसे ऐसे हम वेव करते हैं ना हाथ हिलाना। उसने अपनी पूंछ हिलाई टेल एंड फेल्ट वेरी एक्साइटेड। Sang the little kite and welcome little one said a kind blue kite. दूसरी एक kind blue kite ने बोला welcome the little red kite. You are now with us in the sky. अब तुम आसमान में हमारे साथ उड़ रही हो। The little kite waved its tail and as it sailed away, it loved the blue sky. It loved sailing in the breeze. और उसको blue sky बहुत अच्छा लगा। It loved the blue sky and it sailed its tail. Tail हिलाने लगी ऐसे ऐसे। वो ऐसे करके झूला झूलने लगी। Sailed away मतलब जैसे sail करते झूला झूलना कहीं पे। तो वो झूला जैसे झूलने लगी little breeze में। It loved looking at the clouds that were still far away. अबोव लेकिन उसने उसको वो क्लाउड्स बहुत अच्छे लगे जो अभी भी बहुत दूर थे उससे बहुत ऊपर थे। क्योंकि हमें ऐसे लगता है ना कि यहीं पे क्लाउड्स है बट द क्लाउड्स आर नॉट हेयर। ये बहुत दूर होते हैं। जब हम और ऊपर जाएंगे तो वो और ऊपर दिखते हैं। ओके द क्लाउड्स आर फार अवे नाउ। आ यू मेड इट आफ्टर ऑल सेड रवीज ग्रीन एंड येलो काइट एज इट कम क्लोज। लुक आउट फॉर दैट ह्यूज पर्पल मॉन्स्टर इट कुड हर्ट यू। अब रवि की येलो काइट ने उसको बोला ओ तुमने कर दिखाया तुम यहाँ पे आ गई बट एक ह्यूज पर्पल काइट जो है ना उससे बच के रहना बिकॉज दिस काइट इज मॉन्स्टर। ये बहुत बड़ी है। मॉन्स्टर मीन्स वेरी वेरी बिग। ह्यूज बहुत बड़ी है ह्यूज है तो उससे बच के रहना। लुक आउट फॉर दैट ह्यूज पर्पल मॉन्स्टर मतलब उससे बचना। However, the little kite just swooshed up and down as it flew fly away. जैसे वो उड़ रही थी flew away मतलब और उड़ने लगी। Whooshed मतलब अपने आप को उसने और ऊपर उछाला और ऊपर गई। It was not afraid anymore. It was enjoying itself very much. अब वो किसी से नहीं डर रही है और वो खुद से ही enjoy कर रही है बहुत ज़्यादा
उसको मजा आ रहा है, इट वॉज एंजॉइंग इन द ब्लू स्काई. ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी इज दैट इफ वी विल ट्राई अ थिंग अगेन एंड अगेन, अगर हम किसी चीज़ से डर के बैठ जाएंगे तो हम वो कभी नहीं कर सकें, वी कांट डू इट. बट इफ वी विल ट्राई अगेन एंड अगेन देन वी कैन डू इट, तब हम इसको कर सकते हैं. ओके, समझ में आई स्टोरी? अंडरस्टूड? यू गॉट इट देवांगी? यू गॉट इट? यस मैम. रिद्धि? यस मैम. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ. Now here are some word meanings. Felt a little stir, felt a little movement. Felt a little stir means felt a little movement. उसमें movement होना, उसमें कुछ होना थोड़ा सा. Moved? Yes. ये page पूरा क्यों नहीं दिख रहा? But you can read from your book, बेटा. Book से read कर सकते हैं ना आप. Whooshed, moved suddenly or quickly with a rushing sound. Rushing sound मतलब एक sound के साथ ऊपर उठना. Moved suddenly, whooshed, okay. Sailed away here, floated in the air. Air में तैरना. And made it, it was able to do it. Huge purple monster, a big purple kite. एक बहुत बड़े से purple kite, okay. These are some word meanings. Now tick the correct answer. Here are some questions. It was a perfect day to for flying kites because Hari was in the park. It was a cloudy day. It was a clear and breezy day. What's the answer? It was a clear and busy day. Breezy. Breezy मतलब जब हल्की हल्की हवा चलती है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी, दैट इज कॉल्ड ब्रीजी डे. ब्रीजी, ओके. द लिटिल रेड काइट ट्रैम्बल्ड बिकॉज इट वॉज एफ्रेड ऑफ फॉलिंग, क्योंकि उसको गिरने से डर लग रहा था. एफ्रेड ऑफ फॉलिंग. Afraid of falling. Next, the red kite felt very excited when it started flying. जब वो उड़ने लग गई तो वो excited feel कर रही थी. It was feeling excited. Started. Flying. All the other kites welcomed the red little kite. सब दूसरी kites ने welcome किया. Welcomed the red kite. And the purple kite was a huge kite. Purple kite कैसी थी? A huge kite. Okay, these are, tick the correct answer. The purple kite was a huge kite. All the other kites welcomed the red kite. Red kite. The red kite. Red kite. Excited when? It started flying. It started flying. The little red kite trembled because it was afraid of falling. The answer is afraid of falling. And first one,
इट वॉज अ परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स बिकॉज इट वॉज अ क्लियर एंड ब्रीजी डे. इट वॉज अ क्लियर एंड ब्रीजी डे. ओके दीज आर द आंसर्स. नाउ फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स. ओके राइज द ऑपोजिट ऑफ राइज इज फॉल. Rise, fall. Speak. Rise, fall. Blunt, sharp. Blunt, sharp. Learn, sharp. Low, high. And this means ma'am? Low means नीचे, high means ऊपर. Low, and this means pull. High. Yes. ma'am, repeat भेजने इंस्टा. ये what? मैम आप इसमें पीट भेज देने बहुत तो भेज दे हमें करवाना चाहिए. यस आई विल सेंड. ओके आई विल सेंड. ओके मैम. पुश पुश फार नियर. फार नियर बिलो अप. बिलो अप अप. क्रूएल काइंड. क्रूएल काइंड. क्रूएल काइंड. क्रूएल काइंड. Cruel, 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 little, 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 more. Little, 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 more. More. Okay. Off your speaker, beta. Okay. Now, what can you do in a playground or a park? Match the columns. Sit. Where do you sit? देवांगी बेटा स्पीकर ऑफ करो. देयर इज अ डिस्टर्बेंस. सिट अंडर अ ट्री. पेड़ के नीचे बैठते हैं ना हम. सिट अंडर अ ट्री. प्ले टेनिस. राइड अ बाइसिकल. एंड रन अराउंड. चारों तरफ दौड़ते हैं ना पार्क में. रन अराउंड. राइड बाइसिकल. प्ले टेनिस. सिट अंडर अ ट्री. ट्री के नीचे बैठते हैं ना. सिट अंडर अ ट्री. अनस्क्रैम्बल द जंबल वर्ड्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स ऑन. डबल एस जी आर ए. दिस इज जी आर ए डबल एस. ग्रास. जी आर ए डबल एस. एस एच यू बी. बी यू एस एच. बुश. टी ई के आई. के आई टी ई. काइट. देवांगी बेटा आपका स्पीकर ऑन मत करो. माई वॉइस इज रिपीटिंग. ओके डिस्टर्बिंग. पी एल ई पी यू आर. पी यू आर पी एल ई. पर्पल. एल यू ई आर सी. सी आर यू ई एल. क्रूएल. के वाई एस. एस के वाई. स्काई. ओके दीज आर जंबल लेटर्स एंड यू विल अरेंज दीज एंड राइट प्रॉपर वर्ड. Now some grammar singular and plural. In grammar you have read singular and plural chapter. Okay. Now kite kites. Branch branches. These are singular plurals. Some puppy puppy. Story stories. As I told you, when there is y and before y there is a consonant, so the y's will change in i e s. Okay, jab y se pehle consonant hai na, and mein y hai and there is consonant before y, so we will change the y in i e s. I e s mein change ho jayega y. Okay, story stories. Now F. There is F, so we will change the F in V-E-S. Now leaf, leaves. Knife, knives. Okay. Take the correct endings to make plural form. Cloud. Cloud, only S. Clouds. Cloud, clouds. Shoulder, shoulders. Only S.
copy copies because there is y and before y there is consonant, so we will change y in ies. Bottle bottles, only s. Baby babies, ies. Bus buses, on es, because in the end there is s, so we will change, we will make es. Fox foxes, there is x in the end, there is x, so we will write es. Okay, and dress dresses, lady ladies. Okay, there is y, so we will change y in ies, ladies. Okay, play this game in pairs. Ye aapka, this is a game. Okay, next page. Now read the words in the box below. Write only the words that belong to your list under the heading. Singular words, plural words. Girl, girl is singular or plural? Singular. Horse is singular. Horse. Houses, plural. Newses, this is not right. Babies, potatoes. T-O-E-S. Daisy, leaf is singular. Papers, plural. Woman's, this is wrong. Woman is wrong. Radio, computer. Mouses. Mouses is wrong because the plural of mouse is mice. Okay, so this is wrong. Girls, wind, clock, mice, ladies. Airplanes, dictionaries, diaries, chocolates, milkies. Milks, milks is wrong. Okay, milk, milk ka plural bhi milk hi hota hai. So, not milks. Glasses, glasses is wrong. Glasses, ES. Okay. Now I am asking some questions. What was the color of Hari's kite? What was the color of Hari's kite? No, Hari's kite. Hari's kite was red. Red color. And what was the color of Ravi's kite? Yellow and green. Yes, yellow and green. Okay. Why was little red kite afraid? वो क्यों डर गई थी? Why was it afraid? वो डरी हुई क्यों थी? Because it couldn't fly and it thought I can fall into bushes. क्योंकि मैं बुशेज में गिर जाऊंगी इसलिए वो डर गई थी. हाउ वॉज द स्पेस इन द पार्क? पार्क में स्पेस कैसा था? पार्क में जो स्पेस था वो कैसा था? हाउ वॉज इट? ओपन एंड ग्रासी. द स्पेस वॉज ओपन एंड ग्रासी. Okay? Open and grassy. Yes. Open and grassy. Who welcomed the little red kite in the sky? Kisne welcome kiya uska? Sky. No, sky mein kisne welcome kiya? Red kite ka. Other kites. Dusre kites ne welcome kiya na? And how was purple kite? पर्पल काइट कैसी थी? हाउ वॉज पर्पल काइट? लाइक अ मॉन्स्टर. मॉन्स्टर जैसी थी ना?
purple kite. Okay, how was the purple kite? It's a monster. Okay, this chapter is clear. Okay, have you understood all? Yes, ma'am. Ma'am? Any doubt? Yes. Ma'am, उसने किसी ने ना बुद्ध पर चैप्टर था. Sorry, beta. Speak again. I couldn't hear. Okay, I will send you this chapter. Okay. The class is over now. Your chapter is complete. Have you understood? Yes, ma'am. Okay. The class is over now. Have a nice day.